राम राम भाइयों, आज अपने खेत पराली जलाने की बजाय खेत में मिलाना उसी समय जैसे मैंने चला चॉपर। जैसा कि देखिए मेरा चॉपर चल रहा है खेत में, साथ ही चॉपर चलाने के मेरा कारण यह था कि मैं अपनी पराली जलाना नहीं चाहता था। साथ ही जो पराली को हम जब जला रहे हैं उससे मेरे खेत थोड़ा सा काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए मैंने इसको बचने के लिए मैंने अपनी पराली को खेत में मिलाना उसी समय। साथ ही जो चॉपर है खेत की पराली के छोटे टुकड़ों को काटे खेत में बिखेरते रहे। बात करें जब जब खेत में बिखरेगा तो हमारी चुपकी जुताई करनी काफ़ी आसान होगी। साथ ही जब हम जुताई करके इस पराली को खेत में मिला देंगे तो हमारी पराली जब खेत में जाएगी तो ये हमारी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। उसके बाद मैंने चलाया ट्यूबवेल। ट्यूबवेल चलने से जो हमारी खेत में पराली पड़ी है वो मिट्टी के संपर्क में आएगी तो ऑटोमेटिक सड़ना शुरू हो जाएगी। साथ ही कुछ दिन बाद जैसे हम देखें हमारी जुताई चली उसी खेत में वो कल्टीवेटर कितने आसानी शुरू होते हैं। देखने जुताई भी हमारे खेत में ट्रैक्टर कल्टीवेटर चला रहे हैं, बहुत आसानी से हमारी जुताई होती है। पहले बड़ी दिक्कत होती है सर जुताई की, अब मैंने इस खेत में गेहूँ की बुआई शुरू करवा दी। गेहूँ की बुआई से पूर्व मैंने अपने गेहूँ के बीज को ट्रीटमेंट करना शुरू करवा दिया है। जैसा कि देख रहे हैं ट्रीटमेंट चल रहा है जी। साथ ही जो बात करें ट्रीटमेंट इलेक्ट्रॉन के द्वारा मैं करवा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जो UPL कंपनी का है, इसलिए ट्रीटमेंट कराने से हमारे गेहूँ का जो बीज है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बात करें इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन में साथ ही ये फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड प्लस ग्रोथ प्रमोटर है तो जिससे हमारे जो बीज है उसमें काफ़ी अच्छा जमाव होगा। जब जमा होगा साथियों अच्छा तो निश्चित रूप से पैदावार पे इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मैंने अपने गेहूं के बीज बुवाई पूर्व इसे शोधित करना उचित समझा। साथियों शोधित करते समय आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि आपकी प्रत्येक बीज इससे शोधित होनी चाहिए। जब प्रत्येक बीज से शोधित होगी तो आप प्रत्येक बीज में जमाव आएगा। बात करें साथियों गेहूँ के बीज की तो मैंने गेहूँ के बीज का सिलेक्शन किया, जो वैरायटी हमारी है DBW 187 इसको करण वंदना बोलते हैं, वो वैरायटी मैंने चूज की है। इस समय ये वैरायटी काफ़ी अच्छी है, इसका पैदावार बहुत अधिक है, इसलिए मैं इस वैरायटी को चुनाव किया। साथियों जब देखिए जैसा कि हमारी जो बीज है जब शोधित हो चुकी है कितनी अच्छी दिख रही है, ये हमारी शोधित की हुई बीज है। बीज शोधित करने के बाद जैसा कि देख रहे हैं हमारी अभी खेत में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। साथियों शोधित करने से एक फ़ायदा और है कि जो हमारी सीड है उसमें नमी की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे जमाव काफ़ी अच्छा आएगा। जैसा कि देख रहे हैं हमारे खेत में बुआई चल रही है। अब यह हमारे खेत में बुआई करने से पूर्व ये हमारा उर्वरक है जिसको हम डालेंगे। उर्वरक के रूप में साथियों बात करें तो हमने DAP म्यूरेट ऑफ पोटास और यूरिया का उपयोग किया है। तो हमारे खेत में नमी जो है साथ ही पर्याप्त मात्रा में, इसलिए मैंने अपनी बुआई को करवाना उचित समझा। जैसा कि देखते हैं हमारे खेत में ट्राली तल्ली खेत से अभी इधर भी बीच में डाला जाएगा। साथ ही जो खेत है चॉपर से कटने के बाद तुरंत इसमें बुआई शुरू हो गई है। पहले ये दिक्कत होती थी साथियों क्योंकि चॉपर जब नहीं उपयोग होता था तो पराली को जलाना पड़ता था। उसके बाद हमारा खेत चलने के बाद थोड़ा सा सूख जाता था, हार्ड हो जाता था, इसलिए खेत में पानी चलाना पड़ता है। अभी उस सब चीज़ों से हमें मुक्ति मिल चुकी है तो चॉपर एक बड़ा ही बेहतरीन उपाय है पराली को छोटे टुकड़ों में काटने के लिए। साथियों यदि पराली को हम लोग काट के खेत मिला देंगे तो निश्चित रूप से हमारी खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। जैसा कि देखते हैं हमारे खेत में बुआई के बाद अब हमारा रोटावेटर खेत में चल रहा है, काफ़ी शानदार जुताई चल रही है। जैसा कि देख रहे हैं ये मिट्टी कितनी अच्छी हो गई है। साथ में बात करें मिट्टी की जुताई के लिए तो मैंने 3 बार कल्टीवेटर चलाया, 1 बार हैरो और ये अब रोटावेटर चल रहा है। साथ में बात करें जुताई के लिए, जितनी अधिक आप जुताई करेंगे खेत की उतनी अच्छी मिट्टी होगी आपकी। यदि मिट्टी आपकी जुताई करने से अच्छी हो जाएगी तो आपके जो गेहूँ का बीज है वो अच्छा ग्रोथ करेगा खेत में, क्योंकि अगर मिट्टी अच्छी रहेगी तो निश्चित रूप से आपके पैदावार पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि देखते हैं हमारे खेत में रोटावेटर चल रहा है। साथियों ये हमारे खेत की जुताई लगभग पूरी हो चुकी है। जैसा कि देख रहे हैं फाइनल हमारी जुताई चल रही है।
अब जुताई के बाद साथी उसमें हम मेड़ बनाएंगे। मेड़ बनाने से क्या होगा कि जो हमें पानी चलाने में आसानी होगी। साथियों आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो के बारे में जरूर लिखिएगा, और मेरी बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा। जैसा कि देख रहे हैं ये गेहूँ का बीज अब खेत में मिल चुका है बिल्कुल। साथियों TBW 187 जो है ये बहुत अच्छी वैरायटी है, अब खेत में बिल्कुल मिल चुकी है। अब ये फाइनल जुताई करने के लिए बाकी है। जुताई के बाद यहाँ के बीच जैसा कि आप देख रहे हैं भी मिट्टी मिल जाएगी। सारी बीज जो दिख रहे हैं आपको लाल कलर के सब ट्रीटेड बीज हैं, कुछ मैंने ट्रीट किया इलेक्ट्रॉन से। अब ये फाइनल बाकी है, इसके बाद हमारे खेत की जुताई पूर्ण हो जाएगी। तो साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।